हाय फ्रेंड्स, तो वेलकम अगेन टू अनदर न्यू वीडियो। तो आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो राम राम सभी को। तो इस वीडियो में हम ड्रॉ करने जा रहे हैं कर्ली हेयर। तो मैंने जो रिफरेंस फोटो ली है हेयर ड्रॉ करने के लिए, तो हम इसको मतलब कंप्लीट ड्रॉ करेंगे। तो इस वीडियो में हम ओनली हेयर ड्रॉ करेंगे जो कि कर्ली है, मतलब गुंडी वाले बाल कह देते हैं हम आम भाषा में, तो उनको ड्रॉ करेंगे। तो इसको ड्रॉ करने के लिए मैं चारकोल पेंसिल का यूज करूंगा। तो मैंने आउटलाइन बना ली है, तो लेट्स गो, जल्दी ये बना लेते हैं। तो ये कुछ मटेरियल दोस्तों जो मैं यूज़ करूँगा, एक सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है और टोमोमोनो जीरो इरेजर है और वाइट चारकोल पेंसिल है एंड ब्लेंडिंग ब्रश है, छोटे वाला ब्लेंडिंग ब्रश है और मीडियम चारकोल पेंसिल है। तो हाँ दोस्तों, हेयर को रियलिस्टिक बनाने के लिए मैं ये पेन यूज़ करूँगा जिसमें स्याही नहीं है। तो मैं बहुत मतलब जो भी हेयर ड्रो करता हूँ तो मैं ये मेथड यूज़ करता हूँ के टूल्स भी आते हैं इसमें, मतलब ये मैं ये पेन यूज़ कर रहा हूँ जो कि चल नहीं रहा है। आप क्या करेंगे कि इस पेन को जिस डायरेक्शन में हेयर जा रहे हैं, मतलब पहले तो आपको आउटलाइन जो है ना वो अच्छे से बना लेनी हेयर की, अच्छे से ऑब्जर्व करके। तो आप ग्रेड मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, लोमिस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं और फ्री हैंड मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर हमसे फ्री हैंड एक्यूरेट नहीं ड्रॉ होता, तो इसलिए आप ग्रेड मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कर्ली हेयर है तो इसमें थोड़ी डिटेलिंग में आपको हेयर ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो इसलिए आप ग्रेड मेथड का यूज़ कर लीजिए। तो फाइनली दोस्तों, हमने मतलब जो पेन चल नहीं रहा था उससे स्ट्रोक्स तो लगा ली है। अब हम यूज़ करेंगे मीडियम चारकोल पेंसिल का फर्स्ट लेयर के लिए, मतलब अच्छे से ऑब्जर्व करके रिफरेंस फोटो को जहाँ पर हेयर जा रहे हैं उनको आपको अच्छे से ड्रॉ करना, मतलब फर्स्ट लेयर में। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि आपको जैसा रिफरेंस फ़ोटो में ड्रॉ करना वैसा ही ड्रॉ करना दोस्तों हेयर को, तो अपनी मर्ज़ी भी चला सकते हैं कुछ यहाँ पर, मतलब घुंडी या दूसरे बल भी दे सकते हैं, दूसरी साइड भी दे सकते हैं, बालों में घुंडी और दूसरी साइड भी दे सकते हैं। तो मतलब जितने भी हेयर दिखेंगे तो वो हाइलाइट्स के कारण दिखेंगे, तो मतलब जितना अच्छे से आप हाइलाइट्स दोगे ना हेयर में तो उतने आपके रियलिस्टिक हेयर दिखेंगे। मतलब ज़्यादा जहाँ पर ज़्यादा ब्लैक पार्ट है तो हम वहाँ पर सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का भी यूज़ करेंगे, और मतलब जहाँ थोड़े हाइलाइट्स हैं वहाँ पर टोमोमोनो जीरो इरेजर और वाइट चारकोल पेंसिल का यूज़ करेंगे। दोस्तों, हमने फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर ली है मीडियम चारकोल पेंसिल से, तो हम इसको अच्छे से अब ब्लेंड कर लेंगे। यदि आपके पास ब्लेंडिंग ब्रश है तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं है तो आप जो मतलब वाटर कलर के लिए यूज़ करते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसके बाद अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हेयर को हम यूज़ करेंगे सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का, कैमलिन की। जब हम मतलब चारकोल पेंसिल यूज़ करते हैं ना ज़्यादातर बिगिनर्स, तो वो जल्दी जल्दी यूज़ करते हैं, उनको तो हमें आराम से यूज़ करनी है हल्के हाथों से रिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके। तो मैंने चारकोल पाउडर का भी यूज़ किया साथ ही साथ ब्लेंडिंग ब्रश के द्वारा, तो फील किया मतलब सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ किया, तो मैंने घर पर ही बना है। जब हम मतलब सॉफ्ट चारकोल पेंसिल छीलते हैं ना तभी हम उसका जो पाउडर निकलता है ना वो इकट्ठा कर लेता हूँ मैं, तो उसका भी यूज़ किया मैंने हेयर में।
अब हम देंगे हेयर में हाइलाइट्स, तो जिसका हम टोम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज़ करेंगे, क्यों रिफ्रेंस रिफ्रेंस फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करके। तो अब मतलब जो टोम्बो मोनो जीरो इरेजर, उसको आगे से थोड़ा कट कर ले ताकि आगे से थोड़ा तीखा हो जाए और हाइलाइट्स अच्छे से निकले, क्योंकि दोस्तों हाईलाइट से ही आपके जो हेयर बना रहे हैं वो रियलिस्टिक लुक आता है। और हाँ दोस्तों, मेरे पास कोई माइक नहीं है, तो मैं मतलब फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब मेरी बोली की जो मैं बोल रहा हूँ, तो मैं इसलिए अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ, और थोड़ा मुझे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करना था, तो इसे तो आप मतलब देख के समझ ही जाते होगे कि मैं क्या कर रहा हूँ हेयर ड्रॉ करने के लिए। तो टोमो मोनो जीरो इरेजर के साथ हाईलाइट्स करने के बाद हम दोबारा फिर इस थोड़ा मतलब ब्लेंडिंग करके हम चारकोल पेंसिल का यूज़ करेंगे, जो मतलब थोड़े ब्लैक हेयर दिख रहे हैं उनको ड्रॉ करने के लिए।